औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ज़माने में बहुत से कदीम कबाइल आबाद हैं। इन कबाइल ने दुनिया में बहुत सी सल्तनतों को आबाद किया और वहाँ पर हुक्मरानी की। ऐसे कबीलों की एक मुनफरद तहजीब और तारीख है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोहिला कबीला के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोहिला कबीला का आगाज़ कहां से हुआ, ये असरन किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने कहां अपनी रियासत कायम की, रोहिला रियासत के उरूज व ज़वाल की दास्तान क्या है, और आजकल रोहिला कहां कहां आबाद हैं। नाज़रीन, रोहिला कबीला असल में एक पठान यूसुफ ज़ई कबीला है। यह कबीला अफ़गानिस्तान में आबाद है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, बिलखसूस पिशावर के गिरदोनवा में भी आबाद है। तकरीबन 300 साल कबल पिशावर से रोहिला ख़ानदान के बहुत से अफराद हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए, लेकिन जब 1739 ईस्वी में नादर शाह ने अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसके साथ बहुत से रोहिला कबीला के फ़ौजी भी आए और बाद अज़ां वो यहीं आबाद हो गए। उस ज़माने में रोहिला कबीला के लोग बजनौर, मुरादाबाद, बदायून, बरेली, शाहजहाँबाद और रियासत रामपुर पर मुश्तमिल इलाके रोहेलखंड के रिहायशी थे। इसी कबीला की वजह से इस इलाके का नाम रोहेलखंड पड़ा, जहां पर रोहिला कबीला ने अपनी एक सल्तनत कायम की और वहां के हुक्मरान ठहरे। रोहिला कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं और ये लोग खड़ी बोली बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रोहिला हिंदुस्तान में अपना सियासी असर और रसूख बढ़ाते चले गए, जबकि दूसरी तरफ मरहट्टे भी अपने इलाके को वसत दे रहे थे। मरहट्टों और रोहिला कबीला के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती थीं। सन 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज लाहौर तक पहुंच चुकी थी और अब उसका अगला हदफ शुमाली हिंदुस्तान यानी पानीपत के इलाके थे। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठा ग्रुप सदाशिव राव भाव की क्यादत में फौजी इतिहाद कायम कर चुके थे। मरहट्टों ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ नवाब आफ भोपाल, नवाब फैज मोहम्मद खान और अगजई को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर मुकाबले में पठान होने की वजह से नवाब ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रोहिलों ने मरहट्टों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ देने का फैसला कर लिया और 40,000 की फौज के साथ अहमद शाह अब्दाली के साथ अस्करी इतिहाद कायम कर लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत के मैदान में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। इस जंग में मराठों को इबरतनाक शिकस्त हुई और तमाम इलाके अहमद शाह अब्दाली के कंट्रोल में चले गए। इस फतह के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस अफगानिस्तान चला गया, मगर मरहट्टे रोहिला कबीला के खिलाफ हो गए। सन 1773 ईस्वी में मरहट्टों ने रोहिलों को सबक सिखाने के लिए हमले की तैयारियां शुरू कर दी। रोहिलों ने ओहदपुर के नवाब शजाउद्दौला और अंग्रेजों के साथ एक इतिहादी मुआहदा किया, जिसके तहत जंग जीतने की सूरत में रोहिलों ने नवाब ऑफ ओहदपुर शजाउद्दौला को 40,00,000 रुपए देना थे। इस जंग में मरहट्टों को शिकस्त हुई। जंग के बाद नवाब शजाउद्दौला ने रकम का मुतालबा किया तो रोहिलों के सरदार नवाब रहमत खान ने उनसे कुछ मोहलत मांगी। इस पर अंग्रेज सरकार और नवाब ने इसे वादा खिलाफी तसव्वुर किया। अंग्रेज सरकार और मुगल सल्तनत के नुमाइंदे नवाब शजाउद्दौला ने मिलकर सन 1774 को रोहेलखंड पर हमला कर दिया। इस जंग में अंग्रेज फौज की क्यादत कर्नल अलेक्जेंडर चैंपियन कर रहा था। इस जंग में नवाब रहमत खान शहीद हो गया और मुगलों की इतिहादी फौज ने रोहेलखंड पर कब्जा कर लिया। जंग के बाद रोहिला खानदान की अक्सरियत हिजरत करके रामपुर, भोपाल और टोलक वगैरह के इलाकों में आबाद हो गए, जबकि जंगजू ग्रोह पहाड़ों में रूपोश हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला जंग का आगाज कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी फौज के साथ मिलकर रोहिला सिपाहियों को जंगल में चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। सन 1774 से 1799 तक इस इलाके पर ओदपुर के नुमाइंदे ख्वाजा अलमास खान ने हुकूमत की और रोहिलों पर बहुत ज्यादा मजालम ढाए। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहेलखंड पर कब्जा कर लिया। नाजरीन,
आइए अब कुछ जानते हैं रोहेलखंड की रियासत के बारे में। रोहेलखंड उत्तर प्रदेश में दरियाए गंगा के किनारे वाकया है। सन 1690 ईस्वी में इस इलाके पर रोहेलों ने सल्तनत कायम की। रोहेलों के पहले हुक्मरान या नवाब का नाम दाऊद खान रोहिला था। उसके बाद उसका बेटा अली मोहम्मद खान रोहेलखंड का हुक्मरान बना। अली मोहम्मद खान वो सरदार था जिसने अपने दौर में तमाम अफगानों को एक परचम के नीचे जमा किया। उसने अपने दौर में अपने इलाके को बहुत ज़्यादा वसत दी और बहुत सी जागीरों पर कब्जा कर लिया। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद शाह रंगीला की हुक्मरानी थी। रोहिला एक सख्त जान और जंगजू कबीला था। सन 1754 ईस्वी में सोहबत और बदायून भी रोहिला सल्तनत का हिस्सा बन गया। नवाब मोहम्मद अली खान के बाद नवाब रहमत खान रोहेलखंड का हुक्मरान बना, जिसका हवाल हम ऊपर बयान कर चुके हैं। सन 1801 ईस्वी में नवाब शिजाउद्दौला ने रोहेलखंड अंग्रेज सरकार को तोहफे में दे दिया। नाजरीन, रोहिला खानदान के जवाल के बाद एक सरदार गुलाम कादर रोहिला का नाम तारीख में बहुत ज्यादा मिलता है। सन 1774 ईस्वी में रोहेलखंड पर अंग्रेज सरकार और मुगलों के हमला के बाद जब कब्जा कर लिया गया तो रोहिलों के खिलाफ इंतहाई सफाकाना कार्रवाइयों का आगाज हुआ। रोहिलों को चुन चुन कर कत्ल किया गया और उनकी खवातीन की बेहुरमती की गई। जब ये तमाम मजालम ढाए जा रहे थे तो उस वक़्त एक 12 साल बच्चा तमाम मजालम का ऐनी शाहिद था। यह बच्चा नवाब नजीबुद्दौला का पोता गुलाम कादर रोहिला था। ये सारे मजालम देखने के बाद उस बच्चे के सीने में बदले की चिंगारी भड़क उठी और उसने अपने कबीला के खिलाफ होने वाले इन मजालम का बदला लेने का फैसला कर लिया। सन 1787 ईस्वी को जब गुलाम कादर रोहिला की उम्र 27 बरस थी, उसने दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली पर उस जमाने में शाह आलम सानी की हुक्मरानी थी। गुलाम कादर रोहिला ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद मुगल शाही खानदान के साथ उसके सलूक के बारे में बहुत हैरान कुन दास्तानें तारीख में मौजूद हैं। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद सुल्तान शाह आलम सानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके तमाम खानदान वाले बशमूर खवातीन भी पाबंदे सलासल कर दी गईं। गुलाम कादर रोहिला ने शाही खजाने के असूल के लिए शाही खानदान पर बहुत ज़्यादा मजालम और तशद्दुद किया। महल के दरो दीवार को खजाने की तलाश के लिए उखाड़ कर रख दिया गया, मगर ना खजाना मौजूद था और ना मिला। गुलाम कादर रोहिला ने मुगलों के रोहिलों पर किए जाने वाले मजालम का बदला लेने के लिए 10 अगस्त सन 1788 ईस्वी को सुल्तान शाह आलम सानी की आंखें निकाल दी। उसने मुगल शहजादियों और खवातीन को नाचने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि शाही खवातीन के रक्स के दौरान गुलाम कादर रोहिला ने अपना खंजर निकाल कर साइड पर रख दिया, सोने का बहाना करके आंखें बंद करके लेटा रहा, जबकि शाही खानदान की खवातीन मुसलसल नाचती रही। कुछ देर के बाद वो उठा और उसने कहा कि मुझे यकीन था कि अगर शाही खानदान की खवातीन में गैरत हुई वो मेरे खंजर के साथ मेरा काम तमाम कर देंगी, मगर इस सूरतयाल में जबकि ये खवातीन नाचती रहीं, अब मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि अब मुगलिया सल्तनत को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कहा जाता है कि बांगे दरा में अलामा इकबाल ने इसी वाक्या के बारे में ये शेर लिखा, मगर ये राज खुल गया सारे जमाने में, मगर ये राज खुल गया सारे जमाने में, हमीयत नाम है जिनका गई तैमूर के घराने से। सन 1788 ईस्वी में गुलाम कादर रोहिला मराठों के साथ जंग में मारा गया। क्या मैं पाकिस्तान के बाद रोहिला कबीला की एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान में आबाद हो गई। पाकिस्तान में सियालकोट, जनूबी पंजाब, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, जबकि जनूबी पंजाब में रोहिलियां वाली के नाम से एक बहुत बड़ा कस्बा आबाद है जहां पर सिर्फ रोहिला कबीला के लोग आबाद हैं। भारत में बदायून, ओदपुर, भोपाल, रामपुर और हैदराबाद, जबकि अफगानिस्तान में भी रोहिला कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले पठानों की कसीर तादाद आबाद है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावज़ पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती
और तारीखी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।